भारत का रक्षा निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। भारत के हथियारों में दुनिया की दिलचस्पी किस कदर बढ़ी है, इसका सबूत है ये आंकड़ा, जिसका शोर पूरी दुनिया में मच रहा है। साल 2013 और 14 के रक्षा निर्यात के मुकाबले साल 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कैसे साकार हो रही है, ये आंकड़ा बता रहा है। ये बता रहा है कि कैसे भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पीआईबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया। इसमें 23 गुना वृद्धि हुई है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार रक्षा निर्यात में ये वृद्धि देश के वैश्विक रक्षा सामग्री निर्माण में बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारत फिलहाल 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में जारी किए गए आंकड़े में बताया गया कि कैसे भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए हो गया। तब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में देश का रक्षा निर्यात 12,814 करोड़ था, जो अब 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते 9 सालों के दौरान कई नीतिगत फैसले लिए, निर्यात की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले और आसान किया। इससे उद्योग जगत को काम करने में आसानी हुई। रक्षा उत्पादों के निर्यात के मामले में भी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत की पहल से रक्षा निर्माण क्षेत्र को फायदा हुआ। इससे देश में निर्मित रक्षा उत्पादों की डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण में नए नए प्रयोगों का रास्ता भी आसान हुआ। सरकार की कई योजनाओं का परिणाम था कि विदेशी रक्षा उत्पादों पर देश की निर्भरता बढ़ी और कई देशों ने भारत के हथियारों पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।